महाराज के महान प्रेमी भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी तिना की याद दे विच अज दा दिन खास करके मनाया गया है। सच्चे पातशाह जी के चरणों विच आए और महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई लंगरां दी लगा दिती और आख्या आप जी लंगरां विच भांडे मांजिया करो, ज्यों ज्यों लंगरां विच जा के बर्तन मांजोगे तुहाडा मन मांजा जाया जावेगा। एक दिन भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी भांडे मांजदे मांजदे इन्ने गुरु खालसा जी सूखम विरते विच चले गए कि आप जी नूं जररे जररे विचों दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तिना दे दर्शन प्राप्त होन लग पए और मुखों आप जी दे कूकां आवाजां निकलियां, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, इस दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह। ए गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, आप जी हरेक शाहूकार दे विच विराजदे पए हो, ए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी आप जी हरेक कंगाल दे विच विराजदे पए हो, आप जी धन हो, ये गुरु खालसा जी भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी नो बख्शीश असीस प्राप्त हुई। साडे जगत दे सिख जगत दे महान कवीचर भाई साहब भाई केवल सिंह जी मेहता ओ चेचे तौर ते पहुँचे ने, दर्शन बख्शे ने उन्हां नूं जीओ आया, जो आए ने आ करके नमाणियां नूं नतानियां नूं दर्शन दे करके निहाल कृतार्थ किया है। गुरु खालसा साध संगत जी, एक बार दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी आप जी ने अपने मन दे विच ऐसा निश्चा किया भी लंगरां दी परख की जावे और आप जी लंगरां विच अमृत वेले भेस बदल के गए। देखिया जा करके कोई गुरु खालसा जी अजे बराजिया पिया है, कोई आटा गुणदा पिया है, कोई बर्तनी मांजदा पिया है और सिख दे भेस विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी ने जा करके जिथों भी प्रशादे की मांग की, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं प्रशादा ते की प्राप्त होना सी, सगों अगों गुरु खालसा जी दुरमतियां दा गाली गलोच महाराज साहब जी नूं चलना पिया। कईआं ने बहुत करड़े लफ्जां दे विच महाराज नूं बेइज्जत कीता और लंगरां दी परख करदे करदे दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी गुरद्वारा शहीदी बाग विखे पहुँचे जिथे भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी का लंगर चलता सी और सिख दे भेस विच जा करके साहब नंद लाल जी नूं कलगीधर पातशाह जी कहन लगे, ए नंद लाल भुख बड़ी लगी है, प्रशादा छकन नूं जीओ चाहुंदा है। भाई नंद लाल साहब जी ने अध करिजी दाल बाटे विच पा करके और गुझा होया आटा सी कक्कड़ भुन्ना जा प्रशादा करके साहब जी दे अगे रख दिता और कहन लगे, छको। महाराज जी ने सिख दे भेस विच दो चार प्रशादे छके और कुछ दाला ते कुछ कक्के भुन्ने जे प्रशादे नाल लै लए। अमृत वेले महाराज ने इजलास जाया, पेशियां होल लगियां, बड़े बड़े लंगरदार महाराज साहब जी ने बुलाए और महाराज कहन लगे, तुहाडा लंगर दसो किवें चलदा है, तारागढ़ वालियो तुसी दसो, लोहगढ़ वालियो तुसी दसो, सारिया के नाँ लै लै के महाराज ने बुलाया। कहन लगे, जी महाराज अमृत वेले तो लंगर चल पैंदा है, कोई खाली नहीं जाता महाराज। गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी मुस्कुरा के कहन लगे, अज ही अमृत वेले कोई गरीबड़ा जिहा सिख आया सी तुहाडे कोल,
सारिया ने नीवियां पा लिया। हस के स्वामी जी कहन लगे कोई आया सी, विचों कहन लगे आया तो जरूर सी महाराज, पर लंगर अजे सजन वाला सी। महाराज ने वो आदरीजी दाल और गुरु खालसा जी कक्कड़ भुने जे प्रशादे कढ़ के कहन लगे आ साहब नंद लाल का लंगर प्रवान होया, इन्हां दे लंगर विच कोई अमृत वेले भी चलिया जावे लंगर मिलदा है। असी आप सिख दा रूप धार के अमृत वेले गए, तुहाडे सारयां दे लंगर फेल होए और ये साढ़े प्यारे दा लंगर पास होया। और महाराज साहब जी ने वरदान दिता है नंद लाल युगां तक तेरा लंगर दुनिया के उपर सुरजीत रहेगा और तेरे लंगरां दे विचों ही महक ही स्वाद आउंदा रहेगा जो माता खीवी जी दे लंगरां विचों खडूर साहब की धरती उपर आउंदा सी। अज भी गुरद्वारा शहीदी बाग श्री आनंदपुर साहब विखे वो लंगर चलते हैं और वही स्वाद गुरु खालसा जी अज सरबलो दे बर्तना दे विचों चखण नूं प्राप्त हुंदा है। ऐसे दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे ये महान प्रेमी होए हैं।